हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप गैंग को केकेसी गैंग के द्वारा कही गई बातों को लेकर, क्योंकि हाल ही में केकेसी गैंग के एक मेंबर ने दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में कुछ बातें कही हैं। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो उज्जैन में कई छोटी बड़ी गैंग सक्रिय हैं, लेकिन जो उज्जैन की सबसे बड़ी गैंग थी वो थी दुर्लभ कश्यप गैंग। दोस्तों, इस गैंग का सरगना था खुद दुर्लभ कश्यप, जिसने की एक बहुत बड़ी गैंग खड़ी करी थी। लेकिन दोस्तों, एक तरफ तो दुर्लभ कश्यप पावरफुल था, लेकिन उसके दूसरी तरफ ही उसकी एक एंटी गैंग भी थी, जिसका नाम था केकेसी गैंग। और ये दोनों गैंग्स में पहले से ही वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में ही गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप भी मारा गया था। दुर्लभ कश्यप को मारने के बाद उसकी एंटी गैंग जो कि केकेसी गैंग है, वो चाहती थी कि दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उज्जैन शहर में केकेसी गैंग का खौफ हो। लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और पुलिस प्रशासन ने केकेसी गैंग के जो भी मेंबर दुर्लभ कश्यप हत्याकांड में शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। दोस्तों, आपको पता होगा, जब से दुर्लभ कश्यप मारा गया है उसके बाद से ही दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी गैंग में दोनों में टकराव होता रहता है, और इस बीच कई बार दोनों के बीच झड़प भी हो चुकी है, जिसमें दोनों गैंग्स को नुकसान भी हुआ है। और आपको पता होगा, जब केकेसी गैंग का लीडर शहनवाज खान जेल से छूटकर आया था, जिसके बाद दोनों गैंग्स के बीच लाइव पर काफी झड़प हुई थी। दोनों गैंग एक दूसरे को धमकियां देते रहते थे, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप गैंग के एक मेंबर, जिसका नाम था कुणाल डोरेमोन, उसने केकेसी गैंग के मेंबर पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद बीच में दोनों गैंग्स के बीच ये लड़ाई शांत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में दोबारा दोनों गैंग्स उज्जैन शहर में सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, हाल ही में दुर्लभ कश्यप गैंग के कई मेंबर्स ने केकेसी गैंग को धमकियां दी हैं, और उधर से केकेसी गैंग के मेंबर्स ने भी इन धमकियों का जवाब दिया है। तो दोस्तों, हाल ही में एक और धमकी केकेसी गैंग के मिनी सुच्चा के द्वारा दी गई है। इससे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिर मिनी सुच्चा है कौन। दोस्तों, मिनी सुच्चा केकेसी गैंग से बिलोंग करता है, जिसने शहनवाज खान के साथ कई छोटी बड़ी वारदातों को भी अंजाम दे रखा है। और आपको पता होगा, पिछले दिनों जब चैन सिंह जेल से बाहर था, तो केकेसी गैंग के मिनी सुच्चा और चैन सिंह के बीच में भी काफी झड़प हुई थी। तो दोस्तों, इसने हाल ही में एक स्टोरी शेयर की है, और स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि अभी अभी सुधरे हैं, कृपया उंगली ना करें। साथ ही साथ ये भी लिखा है, समझो जरा। तो दोस्तों, इस प्रकार केकेसी गैंग के गुर्गे मिनी सुच्चा ने कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप गैंग को लेकर ये स्टोरी शेयर की है। तो दोस्तों, अब दुर्लभ कश्यप और केकेसी गैंग के बीच जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और दोनों गैंग्स के बीच एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो केकेसी गैंग के मिनी सुच्चा को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।